गणपति का स्वागत तो हमेशा ही होता है और खास ही होता है हमेशा. सो एक्साइटमेंट इसलिए होता है क्योंकि मेरे बेटे को ये त्यौहार बहुत ज़्यादा पसंद है. हमारे घर पे पापा सिर्फ उसके लिए ज़्यादातर आते हैं. मज़ा ये आया कि उसके बहुत सारे फ्रेंड्स आए थे तो कल की आरती बहुत अच्छी हुई हमारी. और आज आप एकदम ट्रेडिशनल वे में पापा को. वेल, मुझे हमेशा ही ट्रेडिशनल साड़ियाँ पहनना अच्छा लगता है, स्पेशली पापा के घर पे तो अलग अलग किस्म की साड़ियाँ, क्योंकि और कोई मौका नहीं मिलता है. तो ये एक वक्त होता है जहाँ पे मैं मेरी माँ की दी हुई साड़ियाँ निकाल के पहनती हूँ. मतलब तो सबसे खुशी की मांगते हैं हमेशा, और बस उतना ही. क्या मांगने का, क्या भगवान की कृपा से सब कुछ है मेरे पास तो बस. You mean me, right? Yes, of course. जैसे आपने कहा कि आपके बेटे को सबसे ज्यादा पसंद है, तो डेढ़ दिन की गणपति जी आते घर पे, थोड़ी उसको आप कह रहे हैं और वो हाँ अभी अभी आज जा रहे हैं बिल्कुल, और वो हमेशा कहता है कि और दिन रखेंगे और दिन रखेंगे, लेकिन डेढ़ दिन सब काम रुक के करना, आई थिंक प्यार से और श्रद्धा से डेढ़ दिन भी. मैं उसको समझाती हूँ कि जब तक आप श्रद्धा से कर रहे हो बहुत है. और हम लोग बहुत ही सिंपल रखते हैं, एकदम फैमिली अफेयर होता है, और दिल से रखते हैं. जो किसी को एक्चुअली न्योता भी नहीं भेजते हम लोग, जो श्रद्धा से जो प्यार से आते हैं, घर के सदस्य जो होते हैं वही आते हैं बस. सिंपली जी संजय भाई जरा पीछे जाओ. जी बिल्कुल, होना भी चाहिए और कोशिश हमेशा यही. उसके अलावा कोई गाना डेडिकेट करना चाहेंगे? आई थिंक इस साल वो रितेश ने जो गाना थैंक गॉड पापा, आई थिंक इज एप्ट एंड एब्सोल्युटली परफेक्ट फॉर दिस. गणपति बापा मोरिया. थैंक यू सो मच.
पानी में ज़्यादा नहीं जा